क्या तू सच में हार गया है? तू एक बार सोच के देख कि अगर तू आज पढ़ता है तो क्या तेरा आने वाला समय तू बदल सकता है? तेरे मन में वो क्वेश्चन जरूर आएगा कि तू पढ़ क्यों नहीं पाता। उस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है कि तेरा गोल सेट नहीं है, तूने अपने भविष्य के बारे में सोचा नहीं, और वर्तमान में जो तेरे माँ बाप तेरे भरोसे बैठे हैं तू उसके बारे में भी नहीं सोचता। जो माँ बाप तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हैं, तुम उनके लिए कुछ घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, तुमने ये कभी नहीं सोचा। आज मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इसको 10 मिनट बैठ के सोचना कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या हम अपने माँ बाप के लिए कुछ घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं? हमारे माँ बाप भी चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें, हम बड़ा इंसान बने, हम बड़ी नौकरी लें, हम ढेर सारा पैसा कमाएं, लेकिन हम उनके सपनों के लिए पढ़ नहीं सकते। हम पढ़ सकते हैं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। सपने हमने भी कुछ देखे हैं, लेकिन हम उन सपनों के लिए मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि मेहनत करने से दर्द होता है और दर्द हम सहना नहीं चाहते। तुम जिस दिन दर्द को सहना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, इसका कोई भी समाधान ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि तुम ऑटोमेटिक सब कुछ करने लगोगे। इन सभी कमियों का एक ही समाधान है कि तुम दर्द को सहना शुरू करो। इस बदनसीबी से निकलने के लिए, इस गरीबी से निकलने के लिए, इस लाचारी से निकलने के लिए केवल एक साधन है, वो है पढ़ाई। तुम्हें पढ़ना होगा, तुम जीत सकते हो इस दुनिया में। जो लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम हार चुके हो, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम उन लोगों को झूठा साबित कर सकते हो, लेकिन अगर आज तुम नहीं पढ़ोगे तो वो लोग आज भी सच हैं और आने वाले समय में भी सच हो जाएंगे। और जब आने वाले समय में उनकी बातें सच हो जाएंगी तो तुम्हारे पास कोई भी साधन नहीं बचेगा उनको झूठा साबित करने के लिए। क्योंकि आज तुम्हें लगता है कि तुम आज हार चुके हो, लेकिन असल में तुम आज हारे नहीं हो। तुम्हारे पास आज किताबें हैं, पढ़ने के लिए समय है, मार्गदर्शन के लिए माँ बाप हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों बाद तुम्हारे पास समय नहीं होगा, तुम्हारे पास किताबें नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे पास माँ बाप होंगे जो तुम्हारे भरोसे बैठे होंगे। तो तुम आज एक निर्धारण करो, अपने बारे में सोचो, एक गोल सेट करो, एक टारगेट बनाओ कि मैं पढ़ूंगा, और मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, मैं एक तारीख से नहीं पढ़ूंगा, मैं सोमवार से नहीं पढ़ूंगा, मैं रात को नहीं पढ़ूंगा, मैं आज से पढ़ूंगा, मैं अभी से पढ़ूंगा, मैं करूंगा, मैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।